गुरुजी जो वहाँ बिंदु माधव पाठक जी वहाँ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने हमें सितार की शिक्षा देते थे। तो उन्होंने एक दिन उनका रुद्रवीणा, वो रुद्रवीणा भी बजाते थे, तो ये मुझे पता नहीं था। तो उनका एक दिन कॉलेज में उनका रुद्रवीणा का शो था, तो उन्होंने उस समय बताया कि ये रुद्रवीणा बहुत रेयर इंस्ट्रूमेंट है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उसका साउंड जो है मुझे बहुत एकदम छू लिया, मतलब दिल को। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना सीखूं। तो मैंने उठ करके उनसे पूछा कि क्या मैं सीख सकती हूँ। तो ऑडियंस के बीच में थी, मतलब स्टूडेंट के कॉलेज में। तो उन्होंने बोला अरे नहीं, आप तो लड़की हो, ऐसे लेडीज़ कौन बजाते ही नहीं। तो क्यों नहीं बजाते? उन्होंने बोला कि नहीं, लेडीज़ बजाते नहीं है, स्टेमिना लगता है बहुत कुछ, इसको कैरी करना मुश्किल है, और ऐसा मैं सिखाता भी नहीं हूँ लेडीज़ को, ऐसा भी बता दिया। तो मैं थोड़ा नाराज़ थी, मुझे सीखना तो था, तो यही सोच में रह गई मैं। वो सब सितार तो सीखती रही थी, लेकिन सितार सीखते सीखते दिल में दिमाग में सिर्फ रुद्रवीणा रुद्रवीणा होने लगा। तो मैंने मेरे पिताजी से मैंने बोला कि मुझे रुद्रवीणा सीखना है, तो आप थोड़ा उनको बता दीजिए मुझे रुद्रवीणा सिखा दें। तो मेरे पिताजी ने उनसे मिले, पूछा, तो फिर भी उन्होंने भी वही जवाब दिया। तो उनके पीछे पड़ गई, उन्होंने ना बोलते रहे, मैं मुझे सिखा दो बोलते रहे। सर मेरा जिद देख करके उन्होंने मेरे पिताजी से एक कॉम्प्रोमाइज़ कर ली कि देखिए आपका बेटी बहुत जिद कर रही है, वो बजा नहीं पाएगी, लेडी का ये नहीं है, ये वाद्य ऐसा है इंस्ट्रूमेंट कि लेडी का स्टेमिना के लिए नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, मेरे पास एक रुद्रवीणा पुराना पड़ा हुआ है, तो उसको उसके हाथ में दे देते हैं, थोड़े दिन बजा लेगी ना, बाद में वो थक जाएगी, छोड़ देगी, तो एक ख़त्म हो जाएगा। मेरे पिताजी को भी अच्छा लगा, तो ठीक है ऐसे करेंगे। तो उन्होंने ये प्लान किया था, वो मुझे नहीं पता। मैंने बोला, मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने हाँ बोल दिया, अरे वाह, मैंने सीखना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे ही पहले दिन से ऐसा सीखना शुरू कर दिया कि उन्होंने सुबह मुझे 8 बजे बुलाए थे, तो उसको कैसे पकड़ना है और कैसे बजाना है, तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैं रात को 8 बजे तक वही दोहराती रही, उसी को दोहराती रही। ये देख के उनको पहले दिन ही अचरज लगा कि इसको कितना इसमें इंटरेस्ट है। तो घर वाले मुझे ग्रामोफोन करते थे कि वो अटक गया है, बार बार वही वही दोहराती है। तो मुझे कभी निकनेम रख दिया था कि ग्रामोफोन है। तो वो इतना पुराना था वो रुद्रवीणा कि उसमें कुछ बजा ही नहीं सकते थे। वो ऐसा था कि उसको कोई, आपको समझो कि बिना धार वाला चाकू दे करके इसको काटो तो नहीं हो सकता, ऐसा था। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल बेकार था, तो उसमें भी मैं बजा के दिखाई 2-3 दिन में, जो उन्होंने बोला एलिमेंट्री उतना ही बस। तो उनको तब जाके समझ में आया कि इसके हाथ में अगर हम अच्छे से अच्छे रुद्रवीणा देंगे तो ये ज़रूर बजा सके। तो उनको एकदम दिमाग में आ गया, तो उन्होंने मेरे पापा को बुला ली, तो उन्होंने बोला इसको रुद्रवीणा बना के मैं सिखाऊंगा। बस मैंने एकदम ऐसा मुझे यूरेका। शुरू किया था तो थोड़े 2-3 साल मैंने सीख चुकी थी। उस समय मेरे हाथ में एक किताब मिला जो थॉमस मार्कोटी करके एक फॉरेनर, उसको द वे ऑफ म्यूज़िक किताब उन्होंने लिखा है, उसमें लिखा है कि जो लेडी बजाती है
तो पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो लेडी रुद्रवीणा को छूती है या बजाती है तो उसको बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो इसको मेरे पिताजी ने पढ़ा और मेरा मम्मी को पता चल गया। तो उस समय मेरा शादी नहीं हुई थी, होने वाला था, मतलब मैं शादी के समय में थी। मतलब मेरे मम्मी ने पढ़ा तो उसने बोला, अरे आज से रुद्रवीणा बंद, सीखना बंद। तो क्यों बोला, अरे नहीं नहीं उसको बच्चा बिच्चा कुछ पैदा नहीं होगा, उसको शादी नहीं कर सकेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल बंद बंद। लेडीज़ को वज्रासन मना किया जाता था क्योंकि तो वो यूट्रेस के लिए ठीक नहीं है ऐसा बैठना। तो इसको वज्रासन में बैठ के ही बजाया जाता था। तो वज्रासन में तो बैठ नहीं सकती, तो इसीलिए मना किए होंगे। और तो यूट्रेस के ऊपर तो उसका थोड़ा स्टेमिना चाहिए, तो उसका भारी उसका जो वज़न है तो कुछ डैमेज करता होगा, ये भी होगा शायद। लेकिन वो किसी को हो गया होगा, क्या पता नहीं क्या इमेज करके उन लोगों ने उसको मना कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरे लिए तो ये कभी गलत साबित हुआ, सच तो नहीं। तो मैंने बजाती रही, तो बाद में शादी हो गया, तो मेरा बेटा भी है अभी, मेरा तो अभी 29 ईयर ओल्ड बेटा है मेरा। का सपोर्ट लेकर के हम ये करते हैं वो करते हैं, वो बहुत गलत बात है। सपोर्ट हम खुद लेना पड़ता है। अगर सपोर्ट नहीं देते तो हमको अगर करना है तो सपोर्ट लेना पड़ता है, हमारा हक है, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं बजा सकते। लेकिन हम अभी, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं घर गृहस्थी भी मैनेज करती हूँ, इसको भी वो हमारे फिट मतलब हमारे मन में आना चाहिए कि मैं दोनों मैनेज कर सकती हूँ, तो करना पड़ता है। अगर मुझे बजाना है तो अगर मैं ऐसे सोचती बैठ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे बजाना नहीं देता, अरे वो कभी मुझे बजाओ कभी मेरे पीछे नहीं करे, मैं क्यों बजाऊँ, ऐसा मुझे सपोर्ट कोई दे नहीं, सपोर्ट कभी दिया नहीं जाता, लिया जाता है। किसी का दिल दुखा के करना नहीं है, सभी को मैनेज करके आप कर सकोगे, तो आपके अंदर से हिम्मत है तो आप ज़रूर कर सकते हैं।